फेमिनिन सिंपली रूप आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, मतलब स्किन पर छोटे 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 दाने हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनको हम टाइनी बम्प्स बोलते हैं। कईयों के फोरहेड पर होते हैं, कईयों की इस जगह पर होते हैं, कईयों के पूरी फेस पर भरे होते हैं, जिसके कारण उन छोटे छोटे दानों के कारण जो स्किन है बिल्कुल सेट एंड स्मूथ प्लेन नहीं लगती, मींस ग्लास स्किन टाइप्स अफेक्ट नहीं आ पाता। छोटे छोटे दानों के कारण स्किन रफ रफ सी लगती है। तो आज मैं उनको ठीक करने का सोल्यूशन बताऊंगी। इसमें कोई होम रेमेडी नहीं है, क्योंकि होम रेमेडीज जो होती हैं उस टाइम पर आप लगाते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाता है, ये फिर से रीअकर हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं स्किन पर छोटे 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 दाने। आप कोई क्रीम लगाते हो उस टाइम पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से आ जाते हैं। कोई पैक लगाते हो रिलीफ मिल जाता है, फिर से आ जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ चीज शेयर करूंगी उससे आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा इन छोटे छोटे दानों से। सो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है। अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। तो टाइनी बम्स का सबसे बड़ा कारण होता है सिर पर डैंड्रफ होना। जी हाँ, अगर आपकी सिर पर डैंड्रफ है, अगर आपकी सिर में बहुत ज्यादा मतलब खारिश होती रहती है, आप जब खारिश करते हो तो वो डैंड्रफ आपके फेस पर गिरता है, और फेस पर गिरने से क्या होता है, आपके होते हैं टाइनी बम्स। सो अगर आप चाहते हो कि आपको इनसे छुटकारा मिले तो सबसे पहले आपको अपना डैंड्रफ ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको पेट की इन्फेक्शन ज्यादा रहती है, अगर आपका फ्रीक्वेंटली पेट खराब हुआ रहता है, तो आपको टाइनी बम्स होंगे ही होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका गट क्लीन हो, आपका स्टमक हेल्दी हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका पेट बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपके फेस पर टाइनी बम्स भी नहीं हो। थर्ड बड़ा कारण होता है पानी कम पीना। कई बार बाकी सारी चीजें ठीक होती है, डैंड्रफ भी नहीं है, पेट भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, मींस हम पानी बहुत कम पीते हैं, हमारा लिक्विड इंटेक बहुत कम है, या हम फाइबर रिच डाइट ज्यादा नहीं लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करने लग जाती है, और उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी फेस की स्किन के ऊपर। ग्लो तो जाता ही जाता है, और स्किन पर होने शुरू हो जाते हैं छोटे 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 टाइनी बम्स। पानी की इंटेक, फाइबर इंटेक, फ्लूइड्स की इंटेक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो, और उसका इफेक्ट आपको अल्टीमेटली आपकी स्किन पर दिखे। अगर आपकी ये तीनों चीजें ठीक हैं, फिर फोर्थ चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है आपका स्लीपिंग पैटर्न और आपका ईटिंग पैटर्न। अगर आपका कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, कभी भी आप सो जाते हैं, कभी लेट नाइट सो रहे हो, कभी जल्दी सो रहे हो, कभी लेट उठ रहे हो, कभी जल्दी उठ रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न ही नहीं है, और ईटिंग पैटर्न भी सही नहीं है, कभी 10 बजे खा रहे हो, कभी 12 बजे खा रहे हो, कभी 2 बजे खा रहे हो, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है ना सोने का ना खाने का, उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारी हेल्थ पर तो पड़ता ही पड़ता है, हमारी स्किन पर भी पड़ता है। तो हमें अपना जो स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न है उसको एक फिक्स्ड रूटीन में फिक्स करना पड़ेगा, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी स्किन के ऊपर। अल्टीमेटली आपकी स्किन शाइन करने लग जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड डाइट लोगे, डिसिप्लिन्ड नींद लोगे, आपको अल्टीमेटली आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा, और आपकी स्किन एकदम से स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। सारी चीजें ठीक हैं तो आपने ध्यान देना है अपने डेली स्किन केयर रूटीन पर। आपका डेली स्किन केयर रूटीन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मींस सबसे पहले आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद अगर आप चेहरा धोने के बाद फेस वॉश से सीधा मॉइस्चराइजर पर चले जाते हो, बीच में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि टोनिंग होता है, अपने फेस को टोनिंग नहीं करते हो, तो आपको टाइनी बम्स होंगे ही होंगे। क्योंकि जब हम फेस वॉश से चेहरा धोते हैं, हमारी स्किन का पीएच लेवल एकदम से बिगड़ जाता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें टोनर लगाना जरूरी है। और जिनको टाइनी बम्स रहते हैं उनको आई विल रिकमेंड कि आपने सेकेंड स्टेप में रोज वाटर लगाना है। रोज वाटर तो स्किप करना ही नहीं है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने लगाना है मॉइस्चराइजर, एंड फोर्थ स्टेप भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, दैट इज सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन स्किप करोगे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, धूप में जाते हैं तो छोटे 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 दाने होने शुरू हो जाते हैं। तो ये फोर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेली स्किन केयर रूटीन का, मॉर्निंग में,
एंड नाइट में भी आपने क्लीनिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जरूर करनी है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टाइनी बम्प से अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान दोगे। अगर मैं कोई फेस पैक स्क्रब या क्रीम रिकमेंड करूंगी वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान दोगे आपको टाइनी बम्प्स कभी भी नहीं होंगे और आपकी स्किन बन जाएगी बिल्कुल ग्लास स्किन, वो भी बिल्कुल ग्लोई ग्लोई। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? होपफुली पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज के लिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।